नमस्कार आदाब दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज 10 या फिर 11 कंप्यूटर में फ्री वीपीएन को कैसे सेटअप करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में वीपीएन बुक के बारे में बताया था, लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जबरदस्त और कमाल के फ्री वीपीएन के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको 200 से भी ज्यादा सर्वर्स मिलते हैं और आप इस वीपीएन को अपने कंप्यूटर में लाइफ टाइम के लिए फ्री में यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानो ऐसा फ्री वीपीएन आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों इस वीपीएन को अपने कंप्यूटर में सेटअप करने से पहले आप यहां पे मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और लोकेशन दोनों देख सकते हैं। ये मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है और आप लोकेशन देख सकते हैं न्यू दिल्ली। अब चलिए जानते हैं कि इस फ्री वीपीएन को हम अपने विंडोज 10 या फिर 11 कंप्यूटर में कैसे सेटअप करते हैं। आपके कंप्यूटर में दोस्तों विंडोज 10 इंस्टॉल हो या फिर 11, दोनों में तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना है और ये सेटिंग्स का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए डायलअप के नीचे आपको वीपीएन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। और वीपीएन के इस पेज पे ऊपर ही आपको ऑप्शन मिलता है एड अ वीपीएन कनेक्शन, इस पे क्लिक करना है और ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है वीपीएन प्रोवाइडर, आपको यहाँ रेडियो बटन पे क्लिक करके विंडोज बिल्ट इन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कनेक्शन नेम, इसमें आपको टाइप करना है फ्री वीपीएन। फिर तीसरा ऑप्शन है सर्वर नेम और एड्रेस, इसके अंदर दोस्तों आपको वीपीएन के सर्वर नेम यानी कि उसके एड्रेस को टाइप करना है। तो उसके लिए अब आपका जो भी फेवरेट ब्राउजर है उसे आपको यहाँ पे ओपन करना है और ऊपर यहाँ एड्रेस बार में जाकर टाइप करना है www.vpngate.net। इसका लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और ये वेबसाइट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के सर्वर मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देखिए ये साइड में जितना आपको दिख रहा है ये सारा सर्वर नेम है यानी कि उसका एड्रेस है। तो अब आपको यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे देखिए सर्वर नेम के आगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा SSTP का मतलब होता है दोस्तों सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपको जो भी एक सर्वर पसंद आता है कोई भी एक सर्वर नेम आपको यहाँ से लेना है। जैसे कि मान लो अगर आपको ये पसंद आता है तो इसके आगे आपको आना है इसके अंदर SSTP में और यहाँ पे आपको इसके होस्ट नेम को कॉपी करना है। सबके जितना भी सर्वर नेम दिया है उसका होस्ट नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये होस्ट नेम है, तो चलिए इस होस्ट नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। होस्ट नेम को कॉपी करने के बाद वापस आपको यहां आना है और सर्वर नेम के अंदर आपको इसको पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट कर दिया, उसके बाद अगला ऑप्शन है वीपीएन टाइप, इस रेडियो बटन पे क्लिक करना है और इसके अंदर आपको ये सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल यानी कि SSTP को सिलेक्ट करना है। फिर अगला ऑप्शन है टाइप ऑफ साइन इन इन्फो, इसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड ही रहेगा। फिर यहाँ अगला ऑप्शन है यूजर नेम और पासवर्ड, इसमें यूजर नेम डालना है और इसमें आपको पासवर्ड डालना है। तो उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड के लिए वापस आपको इसी वेबसाइट पे आना है और यहाँ ऊपर देखिए आपको मिल जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड, दोनों आपको यहाँ पे मिलेगा। यूजर नेम भी वीपीएन है और पासवर्ड भी वीपीएन है। तो वापस इसके अंदर आना है, इसमें वीपीएन टाइप करना है, पासवर्ड में भी आपको वीपीएन टाइप करना है और ये यहाँ पे हमेशा चेक मार्क होना चाहिए रिमेम्बर माई साइन इन इन्फो। फिर आपको यहाँ सेव बटन पे क्लिक कर देना है और ये फ्री वीपीएन यहाँ पे देखिए ऐड हो गया। ये ऐड तो हो गया, अब आपको इस वीपीएन को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए इस पे आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए कनेक्ट का बटन दिखेगा, सिंपल आपको एक बार इस पे क्लिक कर देना है और ये फ्री वीपीएन आपके कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी ये मेरे कंप्यूटर में कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए इसको हम कंफर्म भी कर लेंगे, इसको यहाँ पे चेक भी कर लेंगे। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं फ्री वीपीएन कनेक्टेड दिखा रहा है, ये यहाँ पे कनेक्ट है। कनेक्ट करने के बाद से वापस चलिए यहाँ पे आते हैं और मैं इसको अब एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी चेंज है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, जापान लोकेशन दिखा रहा है। और इस वीपीएन को दोस्तों आप लाइफ टाइम के लिए फ्री में यूज कर सकते हैं, ये कोई पेड नहीं है और यहाँ पे सर्वर आपको 200 से ज्यादा सर्वर मिल जाते हैं। अगर दोस्तों अब आपको इस वीपीएन को मान लो अगर आपको इसको डिस्कनेक्ट करना हो या फिर रिमूव करना हो
तो डिस्कनेक्ट करने के लिए तो सिंपल आप यहाँ डिस्कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डिस्कनेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए रिमूव का भी बटन दिया है, इस पे आप क्लिक करना है और इस पे क्लिक कर देना है, ये वीपीएन आपके कंप्यूटर से रिमूव हो जाएगा। दोबारा ऐड करना है तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।